अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल आया कि सर, ये ताबूत सकीना ये कहाँ है और कब मिलेगा? आइए इससे पहले कि आपको बताएं कि ताबूत सकीना कहाँ है और कब मिलेगा और इसे कौन निकालेगा, इससे पहले ज़रा कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ इसी ताबूत सकीना से मुतल्लिक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उन्हें शमशाद नामी दरख्त की एक मज़बूत लकड़ी से बना हुआ और सोने का काम किया हुआ एक 3 गज़ लंबा और 2 गज़ चौड़ा एक अनोखा संदूक अता फरमाया, जो कि मुंतकिल होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। ये तफसीरात अजायबुल कुरान पेज 52 पर भी आती हैं और ख़ज़ाइनुल इरफान के पेज नंबर 84 पर भी आती हैं। इसी संदूक को ताबूत सकीना कहते हैं। संदूक में क्या था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब ये संदूक मिला तो उसमें तमाम अंबिया कराम और उनके मकानात की तस्वीरें थीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आपके मुकद्दस मकान की तस्वीर एक सुर्ख याकूत यानी कि लाल कीमती पत्थर होता है ना याकूत, उसमें थी। उस तस्वीर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे जबकि आपके आसपास सहाबाए कराम मौजूद थे। ये तस्वीरें कुदरती थीं, इंसान की बनाई हुई नहीं थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये संदूक मिला तो आप उसमें अपना ख़ास सामान रखने लगे। इसके अलावा संदूक में तौरात शरीफ की तख्तियों के टुकड़े, जन्नती लाठी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा और उनकी लाठी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी थी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाला मन भी मौजूद था। ये तफसीलात हमें सिरातुल जिनान की जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 373 पर भी मिलती हैं। ये तफसीर की किताब है सिरातुल जिनान। और इसी तरह रूहुल बयान की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 386 पर भी मिलती है। अब इस संदूक की बरकतों से मुतालिक भी बात करते चलें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंग में इस संदूक को आगे रखते थे, इससे बनी इसराइल को सुकून नसीब होता था। बनी इसराइल को जब कोई मुश्किल पेश आती तो वे संदूक को सामने रख कर अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करते थे। दुश्मनों के मुकाबले में इसकी बरकत से फतह पाते थे। जब आपस में इख्तिलाफ होता तो संदूक से फ़ैसला करवाते, संदूक से फ़ैसले की आवाज़ आती थी, बलाएँ और आफतें संदूक की बरकत से टल जाती थी। अगैन ये तफसीरात भी हमें सिरातुल जिनान जिल्द नंबर 1 सफ़ा 373 पर, इसी तरह अजायबुल कुरान पेज नंबर 53 पर मिलती हैं। अब जब बनी इसराइल की बहुत ज़्यादा नाफरमानियाँ बढ़ गईं तो उन पर यह गज़ब हुआ कि कौम अमालिका के बहुत बड़े लश्कर ने हमला करके उनकी बस्तियाँ तबाह कर डाली और ये अनोखा संदूक भी उठाकर ले गए। अब संदूक की वापसी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इसके बाद कौम अमालिका ने संदूक को एक गंदी जगह रखा, इसकी बेअदबी की। इसके नतीजे में वो बीमारियों का शिकार हो गए और उनकी 5 बस्तियां हलाक हो गईं। उन्हें यकीन हो गया कि ये सब मुकद्दस संदूक की बेअदबी का नतीजा है। चुनाचे उन्होंने संदूक एक बैलगाड़ी पर रखकर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ छोड़ दिया। वो संदूक 4 फरिश्तों की निगरानी में उस वक्त के नबी हज़रत शमूईल अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। यूं बनी इसराइल को दोबारा ये अजीम नेमत हासिल हो गई और इसी का ज़िक्र हमें सूरह अल बकरा में भी मिलता है। और ये वो वक्त था कि दाऊद अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे। बहरहाल ये तफसीलात भी हमें अजायबुल कुरान पेज 53 पर भी मिलती हैं और दीगर और तफसीर की किताबों में भी तफसीलात मौजूद हैं। अब आ जाएं आपके सवाल की तरफ कि आखिर ये संदूक कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसे कौन ढूँढेगा? तो क़यामत के करीब सैयदना इमाम महदी जब तशरीफ़ लाएँगे तो वो इस संदूक को, 2 लोकेशंस बताई जाती हैं जहां ये संदूक उस वक्त मौजूद होगा जहां से वो इसे निकालेंगे। लोकेशन नंबर 1, वो इस संदूक को फिलिस्तीन की तबरिया नाम की एक मशहूर झील से निकालेंगे। अल फितन लिन्नाइम जिल्द नंबर 1 सफ़ा 360 हदीस नंबर 1050। और एक कॉल के मुताबिक आप उसे तुर्की के शहर अंताकिया के किसी गार से निकालेंगे। ये भी अलफितन लिन्नाइम जिल्द नंबर 1 पेज 355 हदीस नंबर 1022।